नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। केंद्र सरकार ने जब स्मार्ट मीटर की योजना लाई थी देश में, तब लोगों को लगा था कि ये स्मार्ट मीटर जो है, जो उनकी बिजली की जो समस्या है, उस समस्याओं का समाधान करेगी। मगर जब बिजली का मीटर, स्मार्ट मीटर लगा, उसके साथ ही जो है लोगों का बिजली का बिल जो है लगातार वो बढ़ता चला गया। जहाँ एक तरफ 2000 से 3000 रुपये का बिजली बिल लोग जमा करते थे, वहीं जो है अब उनके पास जो है 7000-8000 रुपये का बिजली बिल आ रहा है, और 15 से 20 दिन में ही जो फिर उनकी बिजली जो है फिर कट जाती है। वहीं जो है अगले साल जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है, और इस विधानसभा चुनाव में जो है सभी राजनीतिक पार्टी जो है इस स्मार्ट मीटर को जो है राजनीति मुद्दा बना कर रखी हुई है। राजनीतिक दल में अगर RJD की बात करें, तो RJD 1 अक्टूबर से जो है पूरे बिहार में जो है स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन छेड़ रही है। वही कांग्रेस जो है 30 सितंबर से जो है पूरे बिहार में जो है स्मार्ट मीटर को लेकर वो जगह जगह हर प्रखंड में जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी। स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है वो मुद्दा अब राजनीति मुद्दा बन चुका है, और इस मुद्दे को लेकर अब पूरे बिहार में राजनीति हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि इस स्मार्ट मीटर का लगाने से जो है अब उनका बिजली का जो बिल है वो लगातार जो है बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ के लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहना है, आइए जानें। स्मार्ट मीटर किस तरह काम कर रहा है, क्या आम लोगों के लिए ठीक है? देखिए, स्मार्ट मीटर जो है सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, और सरकार जब यह स्मार्ट मीटर लगाने की योजना लेकर के आई थी, तो पूरे बिहार वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को ही नहीं, पूरे भारत वासियों को यह सब जगह बाग दिखाया गया था कि स्मार्ट मीटर, उस मीटर में जो आपका तरह तरह से शोषण किया जा रहा है, इस मीटर में आपका शोषण नहीं किया जाएगा। लोग सरकार के बातों में आकर के इनके जाल में फंस गए, और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोग विवश हो गए। जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा था, वहाँ सरकार ने बल प्रयोग कर करके स्मार्ट मीटर को लगाया और पुराने मीटर को हटवा दिया। जिन लोगों ने पुराने मीटर को नहीं हटवाया है, मैं शहर में कुछ लोगों को जानता हूं जिनके घर में आज भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, लेकिन वो ऊंचे कद के लोग हैं, जैसे मान लीजिए वो MLAs हैं या कोई बड़े पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ आज भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ नहीं है। लेकिन आम जनता का एक भी घर ऐसा नहीं है, चाहे वह पंचायत स्तर हो या जिला स्तर हो, जिसके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है। लेकिन सवाल है कि सरकार ने जिस बात को कह करके इस योजना को लोगों के दरमियान लाया था, इस बीच में लाया था, उस वह बात बिल्कुल गौण कर गई है, और स्मार्ट मीटर के नाम पर यह सरकार पूरे जनता का शोषण कर रहा है। यह स्मार्ट तरीका है शोषण करने का। पहले जब शोषण किया जाता था तो वो दिखता था कि ये शोषण हो रहा है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका है जिसमें आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप देखिए कि एक छोटा दुकान है, मतलब 120 स्क्वायर फीट का दुकान है, अगर वह स्मार्ट मीटर लगाता है, कोई पान का दुकान चला रहा है, कोई गुमती का दुकान चला रहा है, वह स्मार्ट मीटर लगाया है, उसके दुकान का बिल आता है 1800-1700-2000 रुपया, जबकि मैक्सिमम वह 10 से 12 घंटा दुकान मात्र खोलता है अपना, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, उसके बाद दुकान बंद हो जाता है। ये व्यावसायिक बात हमने कही आपको। अब हम आते हैं कि मैंने जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं या शहरी स्तर के जो लोग हैं, वो जो स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, अगर उनके पास 2 BHK का घर है, 3 BHK का घर है, तो वो जो स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, वो आज 1500-1800-2000 रुपया दे करके इतनी बुरी तरह से पीड़ित हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो है, मैंने जिस तरह से आप देखते होंगे कि एक चूहे को चूहेदानी में फंसा दिया जाता है, उसके बाद जो वो बिलबिलाता है, छटपटाता है, वही स्थिति पूरे बिहार वासियों की, पूरे भारत वासियों की इस स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार ने कर रखा है। ये बिल्कुल ही सरकार की मोनोपोली है, और बिल्कुल सरकार की दूरदर्शिता नहीं है, और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है। स्मार्ट मीटर किस तरह काम कर रहा है आपके घर? देखिए, स्मार्ट मीटर जिस दिन से लगा, उस दिन से बिल में बढ़ोतरी हो गया, और पहले उतना ही बिजली का खपत था, तो जहाँ 600-800 रुपया खर्च होते थे बिल, वहाँ भी 1500-2000 लगने लगा। तो स्मार्ट मीटर में जरूर कुछ ना कुछ अनियमितता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसके आड़ में भया दोहन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार तो बोल रही है स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा चीज है, सरकार बोल रही है घर घर में लगाना चाहिए, मंत्री जी भी बोले जागरूक करेंगे लोगों को। अभी तो हमने देखा कल मीडिया में कि मंत्री जी के घर पर ही नहीं है, उनके विभाग में ही नहीं लगा हुआ, सरकारी विभागियों में भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा। पहले तो इनके घरों में और इनके विभागों में लगना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर गरीबों का भया दोहन हो रहा है स्मार्ट मीटर के माध्यम से, इसको बंद करना चाहिए और पुराना मीटर पर को ही चालू रखना चाहिए। क्या क्या दिक्कत होगा? दिक्कत यही है कि अगर अभी खत्म हो गया, पैसा मेरे पास नहीं है, तो हम कहाँ से बिल लाएंगे पैसा? और वैसे वो जो है पुराना वाला तो वो एक महीना के बाद करेंगे, 12 रुपये का दे देंगे, इसी वजह से हम लोग सस्ता वही पड़ेगा। तो क्या लगता है, स्मार्ट मीटर महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, जो अभी लग रहा है, क्या सुन रहे हैं लोगों से? ये तो महंगा है, महंगा महंगा है।
थी। तो सरकार को क्या करना चाहिए, फैसला बदलना चाहिए या यही रहना? सरकार को यही पुराना वाला रहना चाहिए। क्या दिक्कत हो रहा है सर? ग्रामीण में मतलब डर पैदा हो रहा है कि इसमें ठीक नहीं है स्मार्ट मीटर, यही मीटर ठीक है, पुराना मीटर। क्या लोगों को क्या डर है, क्या कहता है सर? क्या कहता है कि नहीं लगावेंगे स्मार्ट मीटर? तो गांव में जब अगर लगाने के लिए आता है तो क्या होता है लोगों को? अभी तो सर उसका ना कोई फायदा तो बुझाया नहीं, जब लगेगा एक दो महीना चलेगा तब ना कोई फायदा बुझाया। ग्रामीण आपके घर पे नहीं लगा? हमने लोग।